सवाल पूछा कि बाम से काशी राम जी का क्या उद्देश्य है, तो मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना मानवर काशी राम जी ने की थी 1971 में, नौकरी छोड़ी थी और 1973 में उन्होंने उसकी स्थापना की थी। 78 में बड़ा सम्मेलन लखनऊ में किया था, तो उन्होंने एक किताब पढ़ी थी एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई थी। और एनहिलेशन ऑफ कास्ट इस देश में 6,743 जातियों में हमारा समाज बटा हुआ है, उसको एक करके हमें बहुजन समाज बनाना है और उस बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना, तभी इस देश से बहुजनों को अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। और भारतीय संविधान में के 51 में अनुच्छेद 51, आप लोग मीडिया के लोग हैं, ये बहुत कम दिल्ली के किसी मीडिया में अनुच्छेद 51 की कोई चर्चा नहीं होती है, जो इस देश के नागरिकों के कर्तव्यों की बात लिखी हुई है। 10 कर्तव्य आइडेंटिफाई किए हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, और उन कर्तव्यों को लागू कराना उसका उनका कर्तव्य है, जो देश के नागरिकों का, वो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का वो दायित्व है। वो क्या है? इस देश के लिए ऐसा काम करना व्यक्तिगत या सामूहिक गतिविधियों द्वारा जिससे राष्ट्र उत्कर्ष की ओर चला जाए। आज हमारे देश में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है और जो सबसे बड़ी समस्या है वो है जाति व्यवस्था। जितने भी उत्पीड़न, अन्याय, अत्याचार, वो जाति के आधार पर ही हो रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग जाति के आधार पर इस देश के सारे 90% संसाधनों पर कब्जा किए हुए, और जबकि 90% समाज जो है फटे हाल है, वो उसके दो रोटी खाने के लिए वो नहीं है, तो उस समाज का जो 1% तबका जो भी कुछ आरक्षण के जरिए अधिकारी बना है, तो उसका ज़्यादा कर्तव्य बनता है कि समाज के लिए सोचे। तो हम अपने समाज के, बहुजन समाज के, उसमें अनुसूचित जात, पिछड़ी जात, जनजात और माइनॉरिटीज के जो अधिकारी हैं, उन सबको इकट्ठा करके हम उस संविधान की याद दिलाना जो आर्टिकल 51 में वो है कि कैसे इस देश को जाति मुक्त किया जाए। सर, क्योंकि मैं आपसे व्यक्तिगत सवाल करना चाहता हूँ कि सर, जब आप लोग नौकरी में होते हैं या आपको अपने ये अपने ऊपर नहीं लेना है, मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, नहीं हमारे ऊपर अधिकारी जो हैं, जब समाज को अधिकारी की जरूरत होती है, उनके अटैच कराने की जरूरत होती है या किसी तरीके की सलामत की बात होती है, तो वो अधिकारी उस समाज को नहीं डालते हैं। जब वो गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर वो सोचते हैं आज समाज मेरे साथ जुड़े और समाज का मैं नेतृत्व करूँ, लेकिन उस समय वो समाज ये कहता है कि जब इन अधिकारियों ने हमारा काम नहीं करा तो आज हम इनके साथ क्यों जुड़े। अब क्या कह रहे हैं? आज जो कुछ हमारे समाज में जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, वो अधिकारियों के बदौलत हुआ है। ये सच्चाई है कि जो भी परिवर्तन आया है, अधिकारी होने के बाद ही वो शहर में पहुँचे, उस शहर में पहुँचने के बाद अंतर जातीय विवाह किया, जात से दूर हुए, शहर में पहुंचने के बाद भी हमारे लोग जो है कुछ थोड़ा बहुत बिजनेस में उनके बच्चे आए, अदरवाइज हमारा जो 90% तबका है वो उसी स्टेज पर होता अगर आरक्षण के जरिए कुछ उसको नौकरी ना मिल जाती। तो जहां तक अधिकारी, जो आज बामसेब का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, जो उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनाई और जो सरकार बनने जा रही, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे इम्प्लाई जो है जागरूक करके समाज को सही चुनाव करते हैं, और अधिकारियों के जागरूक करने से ही सही शासक पैदा करेंगे हम लोग, ये बामसेब का मकसद। सर, मनोज बाजीराम साहब ने बामसेब के लोगों को रीढ़ की हड्डी बताया नहीं, वो है बताया था नहीं, वो है, बामसेब ही रीढ़ की हड्डी है और मदर है, बहुजन आंदोलन की मदर है, बामसेब ही इस देश को आंदोलित करके बहुजन को हुक्मरान बना सकते। और एक तरफ मनोज बाजीराम साहब ने ये कहा था कि आपको या तो बहुजन समाज की सरकार बनानी है या बहुजन समाज को सत्ता में आना है, अगर जब तक नहीं आती है तो आपको लंगड़ी सरकार देनी होगी। वो लंगड़ी क्या था, क्या उद्देश्य था मनोज बाजीराम साहब का? लग उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी कि भाई एकदम से कोई हम नहीं हो सकते हैं, पहले स्टेज में हमारा संकल्प है, संकल्प में जो यथास्थितवादी सरकार है, जो मनवादी सरकार है, हम उसको कमज़ोर करेंगे। उस समय आपको याद होगा 87 के दौर में बीपी सिंह की सरकार बनी थी और 400 का प्रचंड बहुमत था कांग्रेस का, वो कम होकर 147 पर आ गया था वो, और बामसेफ ने नहीं कहा, वो कांग्रेस वाले कहते थे बामसेफ की वजह से हम हारे, हम नहीं कहते हमने कुछ किया, कांग्रेस वाले कहते थे, वो कहते थे बामसेफ की वजह से हम हारे।
या बामसुख के आंदोलन की वजह से हम हारे, तो भाई कांग्रेस को जो हरा सकती है वो बहुजन को सरकार बना भी सकती है। धन्यवाद।